हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश का पेपर सेकंड सेमेस्टर का। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में हैं वो इंग्लिश का पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं हर बार। तो आप एक बार इनको क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको अंदाज़ हो जाए कि पेपर कैसे आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर नेम ऑफ द पेपर है इंग्लिश इन्फ्लुएंसी। जिन बच्चों के पास इंग्लिश फ्लुएंसी है वो इस पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा पेपर था 3 hours 30 minutes का और मैक्सिमम मार्क्स था 75। इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि हर पेपर में होते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है पैसेज। पैसेज रीड करने के बाद इसे हमें रीड करना होता है। रीड करने के बाद इसमें से क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं कि हमें पैराग्राफ में से देखकर करने हैं। इसमें से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें खुद के पैराग्राफ रीड कर और खुद से लिखने होते हैं, खुद अपना बनाकर अपने ऑन वर्ड्स पे लिखने होते हैं। तो आप इजीली कर पाओगे। एक बार रीड कर लेते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि लिखना कैसे है। तो इन्हें अच्छे से रीड करना और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। नोट मेकिंग आप सबको ही पता है, सी क्वेश्चन में नोट मेकिंग करनी है। और एब्रीवेशंस लिखना इसमें कंपलसरी होता है तभी मार्क्स मिलते हैं। एब्रीवेशंस आपको पता ही होगा, मैं आप वीडियो अपलोड कर दूंगी कि नोट मेकिंग होता कैसे और बनाते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड रिव्यू ऑफ मूवी। इसमें आया यू डिड नॉट लाइक, और किसी किसी पेपर में आता है कि जौन सी मूवी आप लाइक करते हो जो आपको अच्छी लगती है उसका मूवी रिव्यू लिखो। तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है तारे ज़मीन पर मूवी रिव्यू, तो आप उसे देख सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। और मूवी लिखने में सबसे पहले हमें डायरेक्टर का नेम ज़रूरी कंपलसरी होता है लिखना, उसको देख कर ही वहाँ पर मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टर का नेम नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मूवी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है वीडियो, आप उसको देख लेना, रीड कर लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन आपका वहीं आपके 15 marks पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ बुक डैट यू इन्जॉयड रीडिंग। आप में से जैसे आपने कोई बुक रीड की हो और आपने उसे इन्जॉय किया हो पढ़ के, तो आप उसका बुक रिव्यू लिखो कि मतलब वो बुक है कैसी और उसके अंदर जो भी है, एक शॉर्ट में रिव्यू लिखना होता है, उसमें बताना होता है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, चॉइस मिलती है any 5 any 4 ऐसे करके, any 6 ऐसे चॉइस आती है, हर क्वेश्चन पेपर में आती है चॉइस। तो मूवी वाला सबसे बेस्ट है, कोई भी मूवी, आप सभी मूवी देखते हैं तो ईजिली लिख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें लिखना होता है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग बहुत ईजी होती है। इसमें जैसे कि इसमें दे रखा है शाम के बारे में और एक पुलिस के बारे में जिन्होंने अटैक किया था, तो उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन लिखनी है। तो जैसे शाम है, उसके सिर्फ एक शाम के डायलॉग ही 10 होने चाहिए और 10 पुलिस वाले के, तो दोनों को मिलाकर 20 हो गए। तो हमें 20 कंपलसरी है, अगर हम 10 से कम लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक 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 पर्सन के 10 डायलॉग्स होने चाहिए, पहले शाम का देन पुलिस, देन शाम देन पुलिस। और ये सेंटेंस बिल्कुल शॉर्ट नहीं चलेंगे, ओके नाइस गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं, आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाने होंगे और प्रॉपर कन्वर्सेशन के साथ। नेक्स्ट है इसमें लिखना है यू आर अ जर्नलिस्ट इंटरव्यूइंग द मिनिस्टर। इसमें इंटरव्यू का लिखना है, आप लिख सकते हो इंटरव्यू का। इसमें मेंशन दे रखा है आपको प्रिपेयर एटलीस्ट 10 tons ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें हमें 10 जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे उसके भी 10 tons आने चाहिए और हम आंसर्स करेंगे उसका भी 10 bars, वही जैसे मैंने डायलॉग में बताया है। तो मर्जी आपकी, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे कंपल्सरी नहीं है। पार्ट बी है, पार्ट बी में देखो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, प्रिपेयर डिटेल पोस्ट फॉर फेसबुक। ये भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आपसे देख सकते हैं फेसबुक लिखने का जो पोस्ट तैयार करनी होती है वो क्या फॉर्मेट है उसका। द नेक्स्ट है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री तो सबको लिखनी आती है, सबसे सिंपल डायरी एंट्री, और ये ज़रूर आती है, इतने मार्क्स तो हमारे पक्के होते हैं। डायरी में हमें डेट डालनी होती है, देन अपना मंडे सैटरडे जो भी हम जिसको भी लिख रहे हैं वो लिखना होता है, टाइम लिखना होता है। और सिंपल सी बात है, हम रात को ही डायरी लिखते हैं अपनी, तो रात का टाइम डालना होता है और अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और लास्ट में अपना साइन सिग्नेचर, ठीक है, अपना नेम। और 8th question है
FIR दर्ज करना। FIR का फॉर्मेट भी मैंने दे रखा है, आप उसको देख लेना अच्छे से, एक बार आपको समझ आ जाएगा FIR का फॉर्मेट क्या है। और इजी है बिल्कुल। दैन नेक्स्ट आता है हमारा RTI। RTI का क्वेश्चन हम हर बार रिपीट होता है और हमेशा रिपीट होता है। RTI का फॉर्मेट आप लोग एक बार देख लेना, उसको देखकर आपको समझ आ जाएगा कि RTI का फॉर्मेट कैसा है। RTI बहुत इजी है, मैंने डीप में समझाया हुआ है RTI को लिखते कैसे हैं, और बिल्कुल अच्छे से पूरी प्रॉपर वीडियो डाल रखी है, आप उसे देख लेना आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट भी बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें बिल्कुल हमें फॉर्मेट दिया होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है कि जो साउंड पोल्यूशन सो मेरे लोकेलिटी के आसपास हो रहा था उसके बारे में हमें लिखना था, तो उसमें हम लिख सकते हैं इजली कि जो जैसे हमारे में आसपास एरिया में साउंड पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे कोई इसकी शादी हो रही होती है या कोई जागरण हो रहा होता है, या फिर कुछ जो लड़के होते हैं वो साउंड बजा रहे होते हैं डीजे वगैरह, उसकी वजह से साउंड पोल्यूशन होता है, और ये कबाड़ी वाले जो आते हैं बाहर अंकल उनके वजह से साउंड पोल्यूशन होता है, काफ़ी सारे मतलब लिख सकते हैं हम एग्जांपल्स में। तो बेसिकली हमें सिर्फ साउंड पोल्यूशन के बारे में लिखना था, बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो फॉर्मेट सेम रहता है हमेशा, FIR दर्ज का भी सेम रहता है, FIR कैसे लिखवाते हैं और RTI का भी सेम रहता है। डायरी तो सबको ही पता है, बहुत ईजी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा जब आप पेपर दोगे तो आपको देखकर पता लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना और अच्छे मार्क्स लाना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और यूज़फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।